आइए आप लोगों के वार्डरोब का शुरुआत करते हैं। किससे करें शुरुआत? जगीरा तुमसे शुरू करते हैं, है ना? किसी से भी कर ले। आ जाए आप लोग अपनी अपनी जगह पे, आ जाए बैठ भी सकते हैं आप लोग चाहें। थैंक यू। ओके अच्छा जी। भाई वैसे शादियां बहुत हैं आज। शादियां आज आज आजकल आजकल बहुत। कल तो एक मैं गई थी, एक मैं दो में जा चुकी हूँ अब तक। नहीं चाहिए हाँ, दो में जाती। भाई आजकल क्या आप लाइन से हैं कि 3 बजे की शादी है, एक 7 बजे की शादी है और एक 10 बजे की शादी है। ये नहीं, बड़ा दस नहीं सॉरी 8 बजे की हो रही है ज़्यादातर। 3, 6 और 8 मुझे तो दोपहर की ज्यादा मिल रही है आजकल। मुझे ये ट्रेंड नहीं मिली, मतलब पुराने कपड़े आपके नहीं चल सकते जो आप रातों को पहनते थे, रात वाली शादी। अब हमें 3 कपड़े बदलने पड़ेंगे क्योंकि हमें अंबर बनना पड़ेगा, क्योंकि 3 अलग अलग शादियों में जाना है। कभी कभार एक ही कपड़ा चला लेंगे, वैसे तस्वीरें खींचती है ना तस्वीरों का मामला बहुत खराब मसला है। यही मसला है, तस्वीरें खींच गई या ये बस अब जाया हो गया। मेकअप चल जाएगा लेकिन कपड़े नहीं चलेंगे। अच्छा फिर सर्दियों में तुम किस तरह के कपड़े प्रेफर? देखो सर्दियों में मेरा, जैसे तुमने डे की बात की ना, तो डे में तो ये इस तरह का ये कलर भी चल जाता है। ठीक है ना, लेकिन कपड़े चिपकते बहुत है अंदर। क्या पहनती? नहीं अंदर तो इसके नीचे वैसे ही पहनना पड़ता है ना। वो तो है, लेकिन कोई ऐसा मटेरियल पहनती हो जिससे वो चिपके ना? मेरे पास ना वो है जो कॉटन की अंदर स्लिप सेट है ना, वो कॉर्ड पहन लेती हूँ। कॉर्ड सेट पे तो चिपकते हैं वो। नहीं बॉडी सूट भी बड़े सही रहते हैं इसके ऊपर। बॉडी सूट भी आते हैं वो मेरे पास, वो दूसरे वाले जर्सी वाला, जर्सी वाले हैं। अच्छा अभी ये मैंने एक, अभी वैसे तो ये मेरा कलेक्शन का था ब्लू में, लेकिन मैंने अपने लिए ये मरून में बनाया है अभी एक शादी में पहनने के लिए। अभी तुमने नया बनवाया है ये वेलवेट? ये मेरे पास कलेक्शन। देखिए मैं नोट कर रही हूँ कि जैसे वो पोंचो है उसमें आपकी बॉडी के कट्स वट्स नहीं नजर आते। पोंचो कहते हैं ना इसे? पोंचो ही कहते हैं। वो बड़ा सूट करेगा तुम्हारे उस पर, और तुम लंबी सी हील पहन लोगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा ये मैंने जो मैंने उसके लिए कलेक्शन के लिए बनाया था जनरल जवेरिया के लिए, उसमें जो है छोटी शर्ट थी अच्छा और पैंट थी साथ में। अच्छा लेकिन मैंने अपने लिए जो बनवाया ये मैंने लंबी बनवाया। वो वाला ड्रेस है ना जो आपने टेलर को कहा मीडियम कर दो, यही कहानी है। बाकी सब मेरे पास स्मॉल थे, मैंने मरून अपने लिए मीडियम में बदला और मरून एक ही था। तो ये भी एक शादी होने वाली है उसके लिए बनवाया है। इसके साथ मैंने बहुत सारी चीजें हैं जो अभी मैं दिखा दूंगी। हाँ। मैंने बनाई नहीं। अच्छा रेड कलर में ये एक बनवाया मैंने पोंचो। अच्छा ओहो प्राइस टैग भी दिखा। छुपाओ। अच्छा ये इसके नीचे क्या पहनोगी तुम? जैसे गोल्डन पैंट्स या टाइट्स? क्या नहीं, वो सिगरेट पैंट जो होती है ना। अच्छा वो है थोड़ी सी कपड़ी है लेकिन थोड़ी सी ऊंची है वो। अच्छा अच्छा वो इसके साथ वो मैं पहनती हूं। ये भी देखो ना इसमें वो नहीं है, कट्स नहीं है। अच्छा पता नहीं मैं रेड बहुत ही बनाया है मैंने। अच्छा लगता है एक जमाने में 30 साल के बाद रेड कलर बहुत पसंद है। एक जमाने में मैं ब्लैक रेड लगाती हूँ। एक जमाने में ये बहुत ब्लैक मैंने ब्लैक भाई वो सऊद ने मुझसे कहा कि किसी ने मरने से पहले कहा था कि काला रंग ही पहनना है। मैंने कहा अच्छा अब नहीं पहनूंगी। मैं तो अपनी वॉर्डरोब खोलती हूँ मुझे सिर्फ ब्लैक व्हाइट और बेज नजर आते हैं, और अब थोड़े से ग्रेज भी आने लगे लेकिन मोस्टली ब्लैक एंड व्हाइट है ना। क्या ब्रेक का टाइम हो गया? अच्छा बता नहीं मैंने कहा ब्रेक कह रही नहीं नहीं आगे। अच्छा ये जन्नत का आ गया इत्तेफाक से। ये अरे ब्लैक का है मतलब तुम्हारे पास वेलवेट के बड़े मजे की। ये भी हमने कल शादी में पहना है, ये मैंने पहना था और ये जो है ये मैंने पहना था, ये जन्नत ने पहना था। अच्छा तकरीबन एक जैसे हैं कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा अलग। जन्नत के गले पे है वो और मेरे ये स्लीव्स पे काम है। और ये देखो ये कितना मजे का है, ये वेलवेट का है जो सर्दी भी नहीं लग रही होगी इसको, है ना। तो जन्नत के लिए मैंने, और जन्नत को मैंने कहा था कि अगर टसल टूटे या गिरे तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो बेचारी बार बार देख रही थी कि गिरा तो नहीं, टूटा तो नहीं, पूरी शादी में वो यही देखती रही है। तो अपना वाला दिखाओ, ये जो ब्लैक है इसका मटेरियल तुमने थोड़ा चेंज रखा है। तुम्हें गर्मी लगती है बहुत? नहीं नहीं गर्मी नहीं लगती, ये मैंने पहले बनवा लिया था और आइडिया बाद में आया। और तुमने आस्तीनों पे काम कर? हाँ खाली। हाँ ठीक है। और इसके नीचे वैसे ब्लैक है लेकिन मैंने गोल्डन पहना था ट्राउजर। अच्छा को भी गोल्डन। जैसे अगर तुम ये प्लेन पहनती हो तो क्या गले वाले में कोई हार या मेरा? हाँ वो हार है, इसके साथ मैं ब्लैक पहनती हूँ। एक हार हूँ मैं भी तुम्हें। साथ साथ दिखाती रहो। अच्छा दिखाती रहो। हाँ ये दिखा है। अरे भाई चलो मैं उसको दिल रख देती हूँ। जैसे अगर जो प्लेन है उसमें क्या ज्वेलरी तुम साथ? मेरे पास ये ब्लैक के लिए तो ये है, ये ज्वेलरी है वो जो ब्लैक है जो तुमने कल जी, जी, ये अभी जो कल पहना था। अच्छा तो वो पूरा प्लेन तुमने रखा सिर्फ हाथों पे काम है? हाँ। और तुमने उसके साथ जो ये पूरा ये नेकलेस है? हाँ एक सेकंड में निकाल लूँ एहतियात से। अम्मी लाकर देती है मुझे। ये कहाँ से लाया? ये अम्मी राजस्थान से लिया है।
यहाँ पे भी मिलता है कराची में भी, लेकिन ये अम्मी हम लोग भावलपुर जाते हैं ना तो पंजाब जाते हैं, वहाँ बहुत अच्छी मिलती है। तो ये अम्मी से मैंने दो तीन अम्मी ने मुझे दिए थे। अच्छा ना, अब ये ब्लैक के ऊपर इतना अच्छा लगता है, ये देखो। तो वो अब वो जाहिर है कोई और चीज नहीं शादी में, तो ये मुझे ये बड़ा मजा so ये देखो है ना, ये देखो बहुत गाढ़ा लगता है, ये भी नाइस। और क्लच क्या लिया तुमने साथ? क्लच इसके मेरे पास गोल्डन है, दिखाओ मैं दिखाती हूँ। क्लच ये है, ये इसके साथ तुमने मैचिंग इतनी नहीं है, लेकिन ये कल तो ये लिया था, लेकिन मेरे पास गोल्डन एक है, लेकिन मैंने इतना Please subscribe to AIY Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates.